खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बहराइच में विगत दिनों हुई घटना के मृतक रामगोपाल मिश्र के परिजनों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि मृतक रामगोपाल मिश्र के पिता, माता, पत्नी व भाई मंगलवार को महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शोक जताया और परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने मृतक रामगोपाल मिश्र के परिजनों को 10 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आवास, शौचालय व आयुष्मान समेत सरकार की सभी योजनाओं के लाभ के लिए भी निर्देशित किया। सीएम योगी ने मुलाकात के बाद मृतक रामगोपाल के चचेरे भाई किशन मिश्र ने कहा कि सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आश्वासन उन्होंने दिया है, हम उससे संतुष्ट हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कालकवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी विषय में आइए सुनते हैं वाराणसी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया। बहराइच का जो घटना है, सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व है, अपराधी तत्व है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई खलंत्र तो नहीं है, उस पहलू पे की जांच की जा रही है। जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है, उसकी भी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे।